एक दिन पांडवों से कहा कि याद है युद्ध भूमि में कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? अरे बोले चलो दादाजी अभी प्रतीक्षा में है। तो रथ लिया सब पांडव, भगवान द्वारिकानाथ सब जो है युद्ध भूमि में पधारे कुरुक्षेत्र में, और वहां पितामह भीष्म वाणों की सैया पर लेटे हुए प्रभु का स्मरण करते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा देखो भगवान आए तो अनेक महात्मा वहां आ गए, भीष्म जी के पास अभी तक कोई नहीं आया था, पंकज जी अकेले बाणों की सैया पर पड़े। पर जैसे ही भगवान आए तो कौन कौन आ गए? बोले पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण। नारद जी, धौम्य भगवान बादरायण माने पराशर, और व्यास जी बृहदस्वो भरद्वाजा सशस्यो रेणुकासुतम, रेणुकासुत माने श्री परशुराम जी शिष्यों के सहित वहां पधार गए, भरद्वाज ऋषि पधार गए, वशिष्ठ जी पधार गए, बड़े बड़े महात्मा आ गए। इसका मतलब है कि जीवन में भगवान आ जाएं तो सब कोई अपने आप आने लग जाते हैं, भगवान ना आए तो कोई नहीं पूछता। ठाकुर जी आ गए, सब आ गए। भीष्म को आभास हो गया रथ की आहट को सुनकर के कि प्रभु आ रहे हैं, नेत्र डबडबाने लगे, रोमांचित होने लगे और गदगद कंठ से प्रभु को कहने लगे, सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोन्यहम प्रसन्न हासारुण लोचन लसन मुखां भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। हे भगवान, अच्छा पितामह भीष्म की जो प्रीति है वो द्विभुज भगवान में नहीं चतुर्भुज में है, चतुर्भुज नारायण का स्मरण करते हैं वो, तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप बन जाते हैं उनके सामने। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, जब तक मैं इस कलेवर का त्याग करूं प्रसन्न हासा आप यहीं खड़े रहें। और कैसे खड़े रहें? मुंह लटका के नहीं, किसी से कहो कि हमारे साथ में ही रहना, बोले ठीक है, और वो मुंह लटकाए रहे तो अच्छा लगे। अरे भैया, साथ रहने का मतलब है प्रसन्न रहो जब तो अच्छा लगे, अब मुंह लटकाए रहो तो कहा अच्छा लगे? तो प्रसन्न हासारुण लोचन लसन, बोले प्रसन्न होके विराजो हे प्रभो, आप प्रसन्न होकर के और तब तक खड़े रहिए जब तक मैं इस कलेवर का त्याग ना कर दूं। मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। हे चतुर्भुज नारायण, जब तक मैं इस देह का त्याग ना करूं तब तक आप ऐसे ही प्रसन्न होते हुए मुस्कुराते रहिए, आपकी मुस्कुराहट देख करके मैं प्राण त्यागूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। फिर युधिष्ठिर को खूब धर्मों का उपदेश किया और उसके बाद में एक प्रश्न, साहू जी एक प्रश्न पूछा, अच्छा प्रभु द्वारिकानाथ ये तो बतलाइए कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, जहां तक मुझे स्मरण है भीष्म जी कह रहे हैं मेरे जीवन में कोई पाप मैंने नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया में क्यों सोना पड़ा, ऐसा क्या बात, क्या कारण था? श्री कृष्ण ने कहा, दादाजी आपने पाप किया नहीं है, लेकिन आपने पाप होते हुए देखा है, और पाप करने में जितना पाप लगता है उतना ही किसी के पाप को देखने में लगता है, उतना ही अपराध उतना ही दोष किसी के पाप की चर्चा करने में लगता है। हम लोगों की आदत होती है कोई किसी की जरा इधर उधर की बात सुनाए तो हम बड़े चाव से सुनते हैं, हाँ और क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब उसके पाप की चर्चा हम सुनेंगे तो वो पाप हमारे पास भी आ जाएगा। अरे भैया, संत कहते हैं निंदक को घर में रखो, लेकिन किसके निंदक को? हमारी निंदा जो करता हो। निंदक नियरे राखिए आगन कुटी छवा, जो हमारी अपनी निंदा करे उसे तो पास में रखो ताकि वो हमारी निंदा करते करते हमारे दोष बतलाएगा। अरे महाराज जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन महाराज जी ये गड़बड़ करते हैं तो महाराज जी को पता चल गया कि भाई ये कमी है सुधार लो, तो अपनी निंदा करने वाले को तो पास में रखो, और जो दूसरों की निंदा आकर के हमसे करे, अरे वो आपका पड़ोसी ऐसा, वो अमुक ऐसा, वो अमुक ऐसा, ऐसे लोगों से दूर से प्रणाम करो कि भैया कृपा करो।
हम लोग क्या करते हैं, अपनी निंदा करने वाले से तो बहुत नाराज हो जाते हैं। अच्छा हमारी कह रहा है, हम में दोष निकाल रहा, हम में अब कोई दूसरे की बुराई करने आ जाए तो कहेंगे कि अरे रुको चाय बन रही है, नाश्ता करके जाना, उसकी सारी व्यवस्था करेंगे। तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि आपने पाप होते हुए देखा है। बोले कौन सा पाप देखा है? बोले तुमने देखा कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तुम समर्थ थे फिर भी तुमने रोका नहीं। आप लोग विचार करिए, रामचरितमानस में जब एक नारी की इज्जत जो है अस्मिता लुट रही थी, रावण हरण करके ले जा रहा था किशोरी जी जानकी जी को, और जटायु पक्षी ने देखा, आर्तनाद एक नारी का सुना, तो आर्तनाद सुनते ही जटायु जी से रहा नहीं गया। यद्यपि वो अधम जाति के पक्षी हैं और वो जानते हैं कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, लेकिन कहा रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई और निर्भय चलस न जानस मोही। ऐसे कैसे चला जाएगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं जनक नंदिनी जानकी को नहीं ले जाने दूंगा। जटायु ने लड़ करके रावण से प्राण त्याग दिए। अच्छा जटायु जी को क्या मिला? भगवान के हाथों की सैया, हाथों को बोलते हैं कर, तो उनको मिली कर सैया, और पितामह भीष्म ने एक नारी की रक्षा नहीं की तो उनको मिली सर सैया। तो जो नारी की रक्षा करेगा वो भगवान की गोद में बैठेगा, और जो नारी की अस्मिता से खिलवाड़ करेगा उसको तो बाणों की सैया पर सोना पड़ेगा साहब, उसको बाणों की सैया पर। कर सरो जो सिरी पर से ओ कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब। अब पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की 11 श्लोकों में, क्योंकि उस दिन की एकादशी का दिन था, अब एकादशी थी तो एकादश श्लोक में ही स्तुति की, और भगवान को पुष्प चढ़ाना था तो पुष्प तो थे नहीं, अब बाणों पे सोए हैं, तो पुष्पा छंद जो है वो ऐसा छंद लिया जिसमें पुष्प के द्वारा मानो वाक्य पुष्पांजलि भगवान को चढ़ा रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम् सुखमुपगते क्वचित् द्वारतो प्रकृते मुपेयुष्यद् भवप्रवाह। बहुत प्यारी स्तुति की है। उसके बाद भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, भगवत चरणों में मन लगा करके उन्हीं का नाम मुख में जपते हुए, और पितामह भीष्म ने महाप्रयाण किया है। बोल पितामह भीष्म की, भक्त वत्सल भगवान की है।